स्टील प्लांट में उद्घाटन किया है। इसके बाद पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम के तौर पर रही है, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद यहां आईआईटी की एक कमी महसूस होती थी। आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी पिछली सरकार के समय भी इस बात के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे कि भिलाई को आईआईटी मिलना चाहिए, लेकिन वो भी कौन लोग थे आप जानते हैं भली भांति। रमन सिंह जी ने 10 साल मेहनत की, पानी में गई, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जब हमारी बारी आई रमन सिंह जी आए और हमने तुरंत फैसला कर दिया 5 नए आईआईटी, और जब 5 नए आईआईटी बने तो आज भिलाई में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का एक आधुनिक आईआईटी का कैंपस, उसका शिलान्यास भी हो रहा है। लगभग 1100 करोड़ की लागत से बनने वाला आईआईटी कैंपस छत्तीसगढ़ और देश के मेधावी छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा का तीर्थ बनेगा, उन्हें कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। साथियों, मुझे कुछ मिनट पहले मंच पर ही कुछ युवाओं को लैपटॉप देने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूचना क्रांति योजना के माध्यम से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर निरंतर बल दे रही है। तकनीक के साथ जितना ज्यादा हम लोगों को जोड़ पाएंगे, उतना ही तकनीक से होने वाले लाभ को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। इसी विजन के साथ बीते 4 वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस अभियान को, उसके लाभ को घर घर पहुंचाने की दिशा में जुटी हुई है। मैं पिछली बार जब बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर आया था तो बस्तर को इंटरनेट से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट बस्तर नेट के फेज 1 के लोकार्पण का अवसर मिला था। अब आज से यहां भारत नेट फेज 2, इस पर काम शुरू हो गया है। लगभग 2500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 4000 पंचायतों तक तो इंटरनेट पहले ही पहुंच चुका है, अब बाकी 6000 तक भी अगले साल पहुंच जाएगा। साथियों, डिजिटल भारत अभियान, भारत नेट, यहां राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना, 50 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन का वितरण, 1200 से ज्यादा मोबाइल टावरों की स्थापना, ये सारे प्रयास गरीबों को, आदिवासियों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके सशक्तिकरण का एक नया फाउंडेशन तैयार हो रहा है, एक मजबूत नींव तैयार हो रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी सिर्फ जगह की नहीं, सिर्फ एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ रही है ऐसा नहीं, वह लोगों को भी कनेक्ट कर रही है। भाइयों और बहनों, आज देश को जल, थल, नभ, हर प्रकार से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पुरानी सरकारें जिन इलाकों में सड़कें तक बनाने से पीछे हट जाती थी, वहां आज सड़कों के साथ ही हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। और मैंने कहा, मेरा सपना है
हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जा सके, इस सोच के साथ उड़ान योजना चलाई जा रही है और देश भर में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा ही एक शानदार हवाई अड्डा आपके जगदलपुर में बना है। आज जगदलपुर से रायपुर के लिए उड़ान भी शुरू हो गई है। अब जगदलपुर से रायपुर की दूसरी यानी रायपुर के जगदलपुर के बीच की दूरी 6 से 7 घंटे की जगह सिर्फ 40 मिनट रह गई है। साथियों, सरकार की नीतियों का ही असर है कि अब ट्रेन में एसी डब्बों में सफर करने वालों से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। एक जमाने में रायपुर में तो दिन भर में सिर्फ 6 फ्लाइट आती थी, अब वहां रायपुर एयरपोर्ट पे एक दिन में 50 फ्लाइट आने जाने लग गई है। आने जाने के इन नए साधनों से ना सिर्फ राजधानी से दूरी घटेगी लेकिन पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग धंधे लगेंगे और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार। तो ये भिलाई की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और तमाम जो दूसरी बड़ी योजनाएं हैं सरकार की उसका वो वहां पर जिक्र कर रहे हैं। अब आपको सीधे